नमस्कार दोस्तों, मैं दिगंबर कश्यप न्यूरोथेरेपिस्ट। अगर आपको घुटने में दर्द रहता है, आप चल नहीं पाते, आप थोड़ा सा खड़ा हो जाते हैं तुरंत आपको घुटने में दर्द हो जाता है, आपके घुटने में सूजन रहती है, आपका घुटना सूजन के कारण से आपको लाल जैसा नजर आता है, जरा सा खड़े हो गए तुरंत दर्द बढ़ जाता है, सीढ़ी आप चढ़ नहीं पाते, आप कहीं आ जा नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा बदपरहेजी हो गई आपको घुटने का दर्द बढ़ जाता है, आपने एक्सरे कराया, आपने टेस्ट कराया, पता चला घुटने में गैप आ गया है, आपको डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी है। जिनका वजन ज्यादा होता है उनको घुटने की दर्द की समस्या ज्यादा रहती है, कभी ऊंचे नीचे पर पैर पड़ गया उसके कारण से आपको घुटने में दर्द हो सकता है, आप पैर लटका के ज्यादा देर बैठे रहते हैं तो आपको घुटने में दर्द हो सकता है, आपका फील्ड वर्क है आप ज्यादा देर खड़े रहते हैं जो घुटने दर्द का एक बहुत बड़ा कारण बनता है, और जिसके कारण से आप इतने परेशान रहते हैं, आपको पेन किलर खाने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा, आपको डॉक्टर ने ऑपरेशन कराने की सलाह दी है और आप ऑपरेशन कराना चाहते नहीं है, तो आप ऐसे में करें तो करें क्या। आज मैं आपको न्यूरोथेरेपी के कुछ छोटे छोटे ट्रीटमेंट बताऊंगा, अगर आप ये ट्रीटमेंट रेगुलर करेंगे तो निश्चित ही आपके घुटने की पुरानी से पुरानी समस्या भी कुछ ही दिनों में जड़ से ठीक हो सकती है। आइए, पेशेंट को इस प्रकार से सीधा लेटाना है और हमें घुटने के पास बैठना है और अपने हाथों से यानी कि हथेलियों से घुटने के पास इस प्रकार से हमें घिसना है, रब करना है, 8 से 10 बार ऐसे किया, फिर ऊपर नीचे किया, फिर अपने अंगूठे को रूसिंगली को इस प्रकार से करना है और घुटने के चारों तरफ हमें मूव करना है, क्लॉकवाइज करना है, 4 से 5 बार इस प्रकार से करना, अपना अंगूठा एक यहां पे रखना, दूसरा यहां रखना, और जो ये नी कैप होती है इसको हमें फ्री करना है, इस प्रकार से हिलाना है चारों तरफ से, इस प्रकार से रब करना है, और अपने हथेली के इस वाले भाग से हमें जो मसल्स हैं घुटने के पास वाली इनको नीचे से ऊपर की ओर चढ़ाना है, इस प्रकार से धीरे धीरे से, हाथ भी बदल सकते हैं, इस प्रकार से ये करना है, उसके बाद एंकल पॉइंट देना है, यानी कि ये जो एंकल है इसके आसपास हमें इस प्रकार से अपने अंगूठों से अपने उंगलियों से चारों तरफ इस प्रकार से दबाना और छोड़ना है, ऐसे दूसरी साइड देखेंगे, उंगली से कर सकते हैं या अंगूठे से, इस प्रकार से बहुत अच्छा पॉइंट है घुटने वालों के लिए, अगर आप अपने आप करना चाहें तो अपने आप भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं, केवल ये पॉइंट दबाना है आपको, उसके बाद देखेंगे एक ये पैर ऐसे रखना, इस प्रकार से पैर रखना है आपको टेढ़ा करके, और ये यहां पर हमें ये पैर अपना रखना है जिससे कि पैर हिले ना उठे ना, सपोर्टिंग के लिए इस पे प्रेशर नहीं है, और इस प्रकार से नीचे से ऊपर की ओर हमें ये दबाना है 5 से 6 पॉइंट्स में, अब हमें ये पैर यहां रखना है और इस वाले को दबाना है इस पैर से 5 से 6 बार, पास पास एड़ी तक आने, फिर नीचे ऊपर दोनों साइड एक साथ, ये भी 5 से 6 बार, ये करने के बाद एक पॉइंट और देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, इधर देखेंगे यहां ये खाली जगह होती है, यहाँ हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं, यहाँ हमें प्रेशर देना है अपनी एड़ी से, हमें यहाँ हल्का सा दबाना, पैर मोड़िए, सीधा करो, सीधा कर दो, मोड़ो, सीधा करो, मोड़ो, सीधा करो, मोड़ो, सीधा, मोड़ो, सीधा करो, मोड़ो, सीधा करो, मोड़ो, मोड़ो, इस प्रकार से ये कुछ ट्रीटमेंट आपको करने होते हैं। दोस्तों, अगर आपको घुटने में दर्द रहता है तो आप खट्टी चीजों का सेवन ना करें,
मिर्च मसाले कम से कम खाएं, तले हुई चीजों का कम सेवन करें, और अगर आपका वजन ज्यादा है तो उसको कम करने का प्रयास करें। दिन में 10 से 12 ग्लास पानी पिएं। जब भी आप लेटें, आप बैठें, तो कोशिश करें कि आपके पैर ऊंचे रहें। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। और न्यूरोथेरेपी का ये छोटा सा ट्रीटमेंट आपको नियमित रूप से लेना है, आपको रेगुलर लेना है। आप अगर खड़े रहते हैं तो कोशिश करें कि कुछ दिन आप बेड रेस्ट करें। अगर आपको डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह भी दे दी है और आप ये ट्रीटमेंट रेगुलर करते हैं, तो उम्मीद है कि आपकी ऑपरेशन की समस्या भी हमेशा के लिए टल सकती है। आप अगर हमारे चैनल पर नए, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम आपके लिए बनाएं उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।